स्टूडेंट, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है ए केस स्टडी ऑन म्यूचुअल फंड। सब्जेक्ट का नाम है IFMS, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज। इस छोटे से केस के अंदर हमें लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको हमें आंसर करना होगा। जैसा कि आप देखें, केस जो गिवन है, केस का पैरा हमें बता रहा है, अबाउट 6 मंथ अगो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट अनाउंस द वाइंडिंग अप ऑफ 6 स्कीम ऑन द ग्राउंड दैट सिक्योरिटीज दे पजेस्ड एट द टाइम आर नॉट सफिशियंट टू पे ऑफ द इन्वेस्टर हु आर ऑप्टिंग टू रिडम्पशन। कि जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है वो 6 महीने पहले ही जिन्होंने कुछ फंड इशू किए थे, अब वो क्या कर रही है, अपनी 6 म्यूचुअल फंड्स को क्या करने जा रही है, बंद करने जा रही है। और उसका उन्होंने रीज़न भी क्या दिया है कि जो इनसफिशेंसी है किसकी, जो हम रिडम्पशन कर रहे हैं, उन इन्वेस्टर्स को पैसा लौटा रहे हैं उनके पेमेंट्स में, इनसफिशेंसी किसकी है, पे ऑफ की। आगे हम देखें तो बताया था, पेमेंट विल बी मेड एज सुन एज सिक्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टी एंटिटीज इम्प्रूव। द मैनेजमेंट फील्ड दैट दे हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू वाइंड अप दीज स्कीम्स। और ये भी बताया गया है कि मैनेजमेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो इस स्कीम्स को चालू रखे। द मैनेजमेंट फील्ड दैट दे हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू वाइंड अप दिस स्कीम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर सोट मोर टाइम फॉर पेइंग बैक टू इन्वेस्टर्स सीकिंग रिडम्पशन। दे एग्री टू पे ए पार्ट ऑफ मनी ड्यूज इन वेरियस प्रोपोर्शन आफ्टर रियलाइजिंग फेयर फॉर द सेल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन द इन्वेस्टी एंटिटीज। कि इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल करने के बाद भी यदि फंड्स इनसफिशियंट रहता है तो उसका पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, इन्वेस्टर को पैसा करना रिटर्न मुश्किल हो जाएगा। इस केस को सोल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा जो हमें बेसिक क्वेश्चन केस के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि हम देखें, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ए म्यूचुअल फंड। जैसा कि आपने पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती हैं वो नॉन बैंकिंग कंपनी रहती हैं, NBFC कंपनी रहती हैं, और वो जो म्यूचुअल फंड इशू करती हैं उसकी एक प्रोसेस रहती है, म्यूचुअल फंड का एक सेटअप रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट इज़ ए म्यूचुअल फंड। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज़ द म्यूचुअल फंड सेटअप, कि जो म्यूचुअल फंड सेट किया जाता है उसके अंदर कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं म्यूचुअल फंड को सेटअप करने में, तो उसको हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। फिर थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सबका क्वेश्चन होता है कि म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी स्कीम होती हैं जिनके अंदर हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड कुछ का जब हम नाम सुनते हैं तो हमें रिस्क भी लगता है तो हमें प्रॉफिट भी लगता है, और मोस्टली यदि हम खराब से खराब किसी फंड मैनेजर का म्यूचुअल फंड देखें तो वो आपको FD के बराबर जो इनकम फिक्स्ड इनकम है वो तो पे करेगा ही। इफ़ द म्यूचुअल फंड स्कीम इज़ वाउंड अप व्हाट हैपन टू मनी इन्वेस्टेड, तो इस केस के रेफरेंस में ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि म्यूचुअल फंड यदि बंद किए जा रहे हैं, वाउंड अप किए जा रहे हैं, तो जो मनी इन्वेस्टेड है उसका क्या होगा, तो उसको हम सबसे लास्ट में इस केस के अंदर देखेंगे। तो हालांकि इस केस के अंदर जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हैं वो बेसिक नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं। जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जो रहता है अब आसान है। क्योंकि छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज़ मान लीजिए हम बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर्स देखते हैं उनके प्राइस 50,000 आपका 1 लाख तक होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है एक पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए, कि वो इतने शेयर्स को बाय कर सके। तो म्यूचुअल फंड का जो सेटअप किया जाता है, म्यूचुअल फंड जो बनाया जाता है, उसका पर्पज़ ही रहता है कि कुछ लोग मिलकर, ठीक है ना, कुछ लोग मिलकर क्या करेंगे, फंड के अंदर पैसा लगाएंगे। सपोज़ मान लीजिए हमें 50,000 रुपीज़ अरेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 500 रुपीज़ लिए, कितने 100% से, तो अपने पास 50,000 रुपीज़ आ जाएंगे। और 50,000 रुपीज़ से हम क्या करेंगे, वो जो 50,000 का 1 शेयर है उसको हम बाय कर लेंगे। अब इससे होने वाली इनकम भी जो है वो उन पर्सन के अंदर डिवाइड हो जाएगी जो इन्वेस्टर है, जिनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट होल्डर बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज़ ए म्यूचुअल फंड। तो इसका आंसर हमें यही बताना है कि म्यूचुअल फंड सेम एज ए, जैसे आप बैंक में कोई FD लेते हैं, तो हम यहाँ पे FD इंडिविजुअली नहीं ले रहे हैं, हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप एक जो ग्रुप मेंबर है उसकी सेविंग को, सारे ग्रुप की सेविंग को मिला के एक फिक्स अमाउंट जो बनेगा उससे हम शेयर को बाय करेंगे। और इसके बदले में जो पर्सन जिसने इंडिविजुअल ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको बदले में क्या मिलता है, यूनिट्स मिलती हैं। तो इसलिए हम म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टर है उसको हम यूनिट होल्डर भी बोलते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, व्हाट इज़ ए म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड इज़ ए मैकेनिज्म फॉर पूलिंग मनी बाई इशूइंग यूनिट टू इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टिंग फंड्स इन ए सिक्योरिटीज अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव एज डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट्स। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। यदि हम देखें
कोविड-19 के डूरिंग या पोस्ट कोविड हम देखें तो म्यूचुअल फंड के जो अनटेप मार्केट था उसमें कई लोग जो कोविड से पहले म्यूचुअल फंड सेविंग नहीं करते थे, उन्होंने म्यूचुअल फंड की सेविंग को क्या किया है, इंक्रीज़ किया। मतलब आजकल आप देखें तो जैसे हम पहले बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते थे, बैंक में ट्रांजेक्शन कराने के लिए हम सेविंग अकाउंट खुलवाते थे, आज मोस्ट ऑफ जो पीपल हैं वो क्या आपका डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। हम लगभग देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन है 143 करोड़, तो उसमें NSDL और CDSL जो डिपोजिटरीज हैं उनके अंदर जो अकाउंट होल्डर का परसेंटेज था जो अपना 1.25 करोड़ 1.5-2 करोड़ था वो इंक्रीज़ हो गया है। तो जो हमारे पास जो यूनिट होल्डर हैं वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है म्यूचुअल फंड सही है, सभी लोगों का ये मानना है, तो हमें भी इसमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जब भी हम किसी भी स्कीम्स को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम को देखते हैं, तो गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे आ जाता है कि उसको सुपरविजन करना, उसको कंट्रोल करना। तो म्यूचुअल फंड जब सेटअप होता है तो उसको लॉन्च करने से पहले हमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है उससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फंड्स का, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती हैं जो फंड्स में लोग इन्वेस्ट करें उसके रिगार्डिंग सेबी को हमें वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती हैं। तो ये तो रहा हमने पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसका मींस क्या था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर, हाउ इज़ ए म्यूचुअल फंड सेटअप। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो सेटअप के अंदर जो पार्टीज आएंगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब हम म्यूचुअल फंड को सेटअप करते हैं तो कुछ पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि हम देखें कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की फॉर्म में काम करता है, तो एक ट्रस्ट को चलाने वाला पर्सन क्या होता है, स्पॉन्सर और ट्रस्टी भी होते हैं। तो स्पॉन्सर और ट्रस्टी जो स्टार्टिंग की दो पार्टी रहेंगी वो आपको स्पॉन्सर और ट्रस्टी मिलेंगी। फिर उसके बाद आता है AMC, असेस मैनेजमेंट कंपनी। मैनेजमेंट कंपनी असेस्ट का भी करती है, लाइफ्टीज का भी मैनेजमेंट करती है। तो AMC जो है थर्ड पार्टिसिपेंट रहेगी, और फिर फोर्थ रहेगा आपका कस्टोडियन। अब हम इनको समझते हैं कि ये होते क्या हैं। जैसे कि हम देखें सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, तो सबसे पहले इसको चलाने के लिए वन और मोर क्या होंगे, ट्रस्टी या स्पॉन्सर होंगे। जो ट्रस्टी जो रहेगा वो क्या करता है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। वो किसके किसके इंटरेस्ट के लिए, किसके बेनिफिट के लिए होल्ड करता है। थोड़ी देर हमने पहले हमने समझा था कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर या यूनिट होल्डर। तो हम देखें कि जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड की एड देखते हैं तो कुछ कंपनियां एड के अंदर इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जबकि उनकी वास्तव में इतनी अर्निंग होती नहीं है, और जो कुछ कंपनियां ऐड नहीं करती हैं। तो हमारे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, हमें किस किस फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम इतनी मेहनत से अपना पैसा कमा रहे हैं तो उसको हम किसी दूसरे के कहने पर हम क्यों लगाएं। कई बार एग्जाम्पल भी देता हूँ कि हम अपने बच्चे को 10th तक पढ़ाते हैं, फिर 11th में हम कोई दूसरे पर्सन से डिसाइड करवाते हैं कि वो बच्चा 11th 12th में क्या सब्जेक्ट ले। तो हम अपने पैसे को, अपने बच्चे को अपने तरीके से, अपनी नॉलेज के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, जैसे हम बच्चे को अगली क्लास में भेजेंगे 11th में क्या सब्जेक्ट दिलाना है, ऐसे हमें अपने फंड को भी उसी हिसाब से हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। हमें जागो ग्राहक जागो के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को समझते हुए इन्वेस्ट करना है कि जो इन्वेस्टमेंट ये म्यूचुअल फंड के अंदर किया जाता है उसमें जो स्पॉन्सर है, ट्रस्टी या असेस मैनेजमेंट कंपनी है, कस्टडियन है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनका सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन है या रजिस्ट्रेशन नहीं है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हमें ऐसे फंड के अंदर ज़्यादा लालच में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो लालच बुरी बला है उसको हम बचपन से बढ़ते आए हैं, और हमें उसको समझते हुए अपने पैसे को डूबने से बचाना है। तो जो ट्रस्टी है वो क्या करता है, हम समझ लेते हैं, ट्रस्टी आज वेस्टेड विद द जनरल पावर ऑफ द सुप्रिंटेंडेंस एंड डायरेक्टर ओवर AMC। ट्रस्टी AMC की हेल्प से क्या करता है, डायरेक्शन जो मिलते हैं AMC से, असेस मैनेजमेंट कंपनी से, उसके अकॉर्डिंग अपनी पावर को यूज़ करता है और मॉनिटर करता है टाइम टू टाइम म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को, और जो कंप्लाइंस सेबी ने रखे हुए हैं म्यूचुअल फंड के लिए उनको क्या करता है, पूरा करता है। हम यहाँ पे देखें तो सेबी का एक रेगुलेशन भी है कि जो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, कि यहाँ पे जो पर्सन हों वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि यदि किसी पर्सन का कोई दूसरे पर्सन के साथ इंटरेस्ट है, द
ओपिनियन ऑफ वन पर्सन सबोर्डिनेट टू द विशेज ऑफ अनदर पर्सन है, तो वहाँ पे बायसनेस आ सकती है, लोगों के पैसे को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंट दिया गया है कि 2/3 या 50% से ज़्यादा जो पर्सन होने चाहिए वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और जो भी म्यूचुअल फंड हो किससे रजिस्टर्ड हो, बोलो सेबी से रजिस्टर्ड हो और सेबी में उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन था कि हम जब म्यूचुअल फंड को सेटअप करते हैं तो उसके अंदर स्पॉन्सर, ट्रस्टी, असेस मैनेजमेंट कंपनी, कस्टडियन कैसे वर्क करते हैं। फिर हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। देखो हम सिंपली बात करें, जब भी आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो आप या तो पैसे को एक साथ जमा कराएंगे लमसम, और या फिर पैसे को आप रिकरिंग डिपॉजिट की तरह हर महीने मंथली जमा कराएंगे। तो यदि आप पैसे को मंथली जमा कराना चाहते हैं तो उसको ओपन एंडेड स्कीम कह सकते हैं, जो अवेलेबल रहती है हर किसी के लिए जो उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंस रहती है, ओपन एंडेड के अंदर इम्पोर्टेंस रहती है, वो किस चीज़ की इम्पोर्टेंस रहती है, नेट असेट्स वैल्यू, NAV। क्या होता है कि एक शेयर की जो प्राइस है, नेट असेट्स वैल्यू पर यूनिट जो है, जो डेली बेसिस डिसाइड होती है, वो उसके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। या कई बार हम देखते हैं सब इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो NAV कम ज़्यादा होती रहती है डे बाय डे, हम उसको डेली बेसिस पर क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं। यहाँ पे FD की तरह कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। अदर हैंड हम देखें क्लोज एंडेड जो स्कीम रहती है उसमें मैच्योरिटी पीरियड 3 to 5 ईयर रहता है। और यहाँ पे जैसे ओपन एंडेड में आप कभी भी आ सकते हैं, इसमें स्पेसिफाइड टाइम लिमिट रहती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल NFO का रहता है, न्यू फंड ऑफर का जो रहता है। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको NFO न्यू फंड ऑफर के टाइम में क्या करना पड़ता है, बाय या सेल करना पड़ता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड प्राइस है उसके बेस पर। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो क्लोज एंडेड स्कीम है, जो ओपन एंडेड स्कीम है, उन दोनों में डिफरेंस जो आता है वो इस तरीके से आता है कि ओपन एंडेड स्कीम में आप किसी भी समय परचेज कर सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड में आप एक मैच्योरिटी पीरियड होगा उस टाइम के लिए आप परचेज करेंगे। जो रिस्क जो रहेगी वो किस में ज़्यादा रहेगी आपकी, बोलो ओपन एंडेड में, और क्लोज एंडेड में जो इम्पोर्टेंस रहेगी वो किसकी रहेगी, NFO की, न्यू फंड ऑफर, जब आप शेयर को बाय या सेल करते हैं यूनिट्स को, तो उसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम ये देखें कि जो क्लोज एंडेड है उसके अंदर सेबी ने दो रूट भी प्रोवाइड कराए हैं एग्जिट के लिए। द सेबी रेगुलेशंस स्टिपुलेट दैट एटलीस्ट वन ऑफ टू एग्जिट रूट्स इज प्रोवाइडेड टू द इन्वेस्टर, आइदर रीपरचेज फैसिलिटी थ्रू और थ्रू लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि हम ये देखें कि कुछ टाइम पहले कई लोगों ने Paytm का फंड परचेज किया था, और कुछ टाइम के बाद जब शेयर के प्राइस कम होते गए तो कंपनी ने उसको रीपरचेज का ऑप्शन भी दिया। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ये स्कीम हमें किसके अंदर मिलती है, NAV की स्कीम्स आपकी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसके अंदर आप टू एग्जिट रूट के थ्रू अपना पैसा वापस ले सकते हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स, जो लोग फिक्स इनकम चाहते हैं, जैसे FD रहती है, इंटरेस्ट रहती है, तो उनको फिक्स्ड इनकम तो मिल तो जाएगी, पर उसके अंदर जो रिटर्न जो रहती है वो वेरिएबिलिटी रहेगी, मतलब मिलने वाली इंटरेस्ट रेट है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो उसको हम डेब्ट्स या इनकम ओरिएंटेड फंड भी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होती है हमें कि यदि NAV जो है ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यदि इंटरेस्ट रेट फॉल होती है तो NAV क्या होती है, इंक्रीज होती है शॉर्ट टर्म में। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो और NAV डिक्रीज हो। तो यहाँ पे हम ये देखें तो डेब्ट ओरिएंटेड जो या फिर इनकम ओरिएंटेड स्कीम है उसके अंदर हमें वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न जो है मिलती है। तो ये अपने फंड के टाइप थे, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इनकम या डेट्स ओरिएंटेड। फिर लास्ट एक क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड, जैसे हम इसी केस के अंदर देखें कि कंपनी ने 6 महीने पहले म्यूचुअल फंड को लाया थी और उसकी 6 स्कीम को बंद करने जा रही है, 6 स्कीम को, तो उसको कैसे बंद करें। तो यहाँ पे हम ये देखें कि किसी भी फंड को जब आप बंद करते हो तो हमने देखा था उसमें NAV देखी जाती है, जो भी एक्सपेंसेस रेशियो हैं उन सबको डिडक्ट करने के बाद जो यूनिट होल्डर को पैसा मिलेगा, और उसके बाद उस पैसे को लौटाया जाएगा सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद, तो उससे हम म्यूचुअल फंड को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो इस केस के थ्रू हमने इन चारों क्वेश्चन को आंसर किया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, व्हाट इज़ ए म्यूचुअल फंड, हाउ म्यूचुअल फंड इज सेटअप, और व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और इफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज वाउंड अप व्हाट हैपेंड टू मनी इन्वेस्टेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम म्यूचुअल फंड के बारे में और चीज़ें सीखते हैं। थैंक्स।